गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भिलाई नगर निगम परिसर में भी हर साल की तर्ज पर इस साल भी महापौर व आयुक्त द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सर्वप्रथम भारत माता के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया, तत्पश्चात ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। वही राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इस दौरान महापौर नीरज पाल, आयुक्त सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। बताना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस पर स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रत्येक वार्डो में किसी एक परिवार को सिर्फ इसलिए सम्मानित किया जाएगा क्योंकि वो अपने क्षेत्र के लगभग 100 मीटर सफाई रखेगा। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर निगम महापौर नीरज पाल ने इस तरह की जानकारी दी। मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस की पूरे नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी निवासियों को और देशवासियों को आज के इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हमारे सबसे पहली जिम्मेदारी नगर निगम में शहर को साफ रखने की है और इसके प्रति हम सब जागरूक भी हैं और सतत प्रयासरत भी रहते हैं, लेकिन हमारे प्रयास में शायद कुछ कमी रही होगी। पिछले साल हम लोग रैंकिंग में काफ़ी पिछड़ गए थे और उस स्थिति को बेहतर करने के लिए हम लोग फिर से जुटे हुए हैं कि अपने शहर को बेहतर साफ सफाई स्वच्छता में हम रख पाएँ और देश में प्रदेश में अच्छे स्थान पर अच्छे रैंक में ला पाएँ। उसके लिए आज यहाँ एक घोषणा मेरे द्वारा की गई है कि नगर निगम क्षेत्र के जो 70 वार्ड हैं उन 70 वार्डों में प्रत्येक वार्ड के एक परिवार को या कहें एक मकान को या एक प्रॉपर्टी टैक्स दाता को हम चुने कि जिसको जो अपने घर अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखे साफ रखे, ऐसे 70 वार्ड के 70 लोगों को अगले साल 26 जनवरी को हम लोग सम्मानित करेंगे। इसके इस तरह के प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि हम जन भागीदारी कहें या आम आदमी को सफाई से सीधा जोड़ने का प्रयास है हमारा, ताकि हम अपने शहर को बेहतर साफ सफाई और स्वच्छता रख सकें।